नमस्कार, विश्व महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मेरे हाथ में बल्ला है और इस समय आप देख पा रहे हैं कि मैदान में जो प्लेयर हैं वो महिलाएं हैं। विश्व महिला दिवस है और महिलाएं आज क्रिकेट के मैदान में राजधानी भोपाल में बल्ले पर हाथ आजमा रहे हैं। इस समय बस कुछ ही समय बाद क्रिकेट मैच शुरू हो जाएगा और इस समय देख पा रहे हैं दो टीम आमने सामने हैं। जाहिर तौर पर है जो इस महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, जब तक मैदान में देखने को नहीं मिलेगा तब तक सशक्तिकरण की बातें करना बेमानी होगी। फिलहाल हम बात करें तो महिलाएं आज मैदान में हैं। आपके हाथ में क्या बल्ला आज रहेगा? मैं कोच हूं, एक्चुअली मैं टीम लेके आई हूं, लेकिन हाँ बैट ऑलवेज हाथ में रहता है, हमेशा रहता है। हाँ, क्योंकि क्या नाम है आपका? वर्षा पटेल, फ्रॉम होशंगाबाद। होशंगाबाद से हैं आप, तो क्रिकेट के मैदान में कब से हैं आप? मेरे को 12 इयर्स हो गया है, 12 साल 12 साल हो गए। मैं 2011 से क्रिकेट में। महिलाओं का स्थान कहाँ देखते हैं आप? अभी तो महिलाओं का स्थान उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे जेंट्स का और मेल क्रिकेट का है, लेकिन हम लोग इतनी कोशिश करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं तो उम्मीद यही है कि हमें भी वो स्थान मिले जो मेल्स को मिल रहा है, या जो मैच फीस मेल्स को मिलती है, जो फैसिलिटीज मेल्स फीस मिलती है, वही फैसिलिटीज और उतनी मैच फीस और वही सब हमें मिले। हम ये कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि आज छुट्टी का दिन है लेकिन सारी लड़कियाँ यहाँ पे हैं और अपना जो 12 साल से इस प्रयास में जुटी हुई हैं कि क्रिकेट में जो मुकाम पुरुषों का है वही मुकाम महिलाओं का भी हो। आपका क्या हाल है? ठीक है। क्या लग रहा है आपको, क्रिकेट में लड़कियां चलेंगी? क्यों नहीं चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी। क्रिकेट दोनों, अगर उन्होंने अपना ये गेम चॉइस किया है तो ऑब्वियसली बात है कि वो लड़कों की तरह खेल कर दिखाएंगी, उनकी तरह आगे बढ़ के दिखाएंगी। नहीं, आगे बढ़ेंगी। आपका क्या नाम है? माही ठाकुर। माही, माही कब से खेल रहे हैं आप क्रिकेट? मैं 3 साल। 3 साल हुए। क्या कैसा लगता है आपको क्रिकेट? अच्छा लगता है। तो आप क्या लड़कों को बिल्कुल टक्कर देने के लिए तैयार हैं? हाँ, पूरी तरह से। देखिए, यहाँ पर बात करें तो कुछ ही देर बाद मैच शुरू होगा, लेकिन उससे पहले कि हम तैयारी की बात करें, आपका क्या नाम है? सर दीपिका शर्मा। आपका क्या हाल है? सर मजे में। मजे में है। आज वुमेन्स डे है, एंजॉय कर रहे हैं। और महिलाओं का क्या हाल है देश में? देश में महिलाओं का भी जैसा भी हाल हो लेकिन उस हाल को वो अच्छा बना के जी रही हैं। बेहतर कर रही हैं महिलाएं। बेहतर कर रही हैं और भी बेहतर करेंगी। आपने ये खेल में क्रिकेट क्यों चुना? सर एक्चुअली मैं स्कूल में थी तो क्रिकेट ही स्टार्ट किया था स्कूल से खेलना, तो फिर क्रिकेट के बाद और भी गेम्स मैंने खेले लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, बस ऐसा था कि क्रिकेट ही खेलना, तो सारे गेम्स छोड़ के क्रिकेट ही खेला। हाथ में बॉल है और बोल्ड करने की तैयारी है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी एज कितनी है? 18 साल हो गई जी, है जी। कैसा लग रहा है आपको क्रिकेट में? अच्छा लग रहा है मुझे खेल करके। आज कुछ खास दिन है? जी जी, इंडियन वुमेन्स डे। तो आप क्या कुछ संकल्प लिया है, क्या करेंगे आप? हमारा जो अब आने वाला है बॉलिंग, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये मैच जीते और अच्छा करें और सबको अपना अच्छा जीतना है। सबसे बड़ी जो थीम है जीत की है, क्या आप भी जीतने के लिए ही खेल रहे हैं ना? सर हर मैच जीतने के लिए खेलता है हर एक प्लेयर, और रिजल्ट कुछ भी हो इंसान अब हमेशा ट्राई करता है कि बेटर करे वो अपने। ये पहले कल्पना नहीं की जाती थी कि अभी लड़कियां भी क्रिकेट के मैदान में होंगी? नहीं, पहले नहीं की जाती। अब काफ़ी अपना जैसे भी इंडिया और इंडिया का जो अपनी टीम गर्ल्स का है उसका वर्ल्ड कप चल रहा है तो काफ़ी लोग प्रमोट कर रहे हैं हमें, तो ऐसे हम मतलब पब्लिक जो है सपोर्ट करेगी तो गर्ल्स का क्रिकेट और ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा। आपको लग रहा है कि अब टक्कर हो जाएगी? बिल्कुल ऊपर जाएगा। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच था, कल ही था, तो उस पर इंडिया जीती है, पाकिस्तान आ रही है। हर साल 11वीं बार इंडिया ने पाकिस्तान को हराया कंटिन्यू। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आज महिला दिवस है, महिलाओं का स्थान कैसा है अभी? महिलाओं का स्थान अभी काफ़ी है कि मतलब महिलाओं में और मतलब पुरुष में जो भी मेल है और फीमेल उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है, जितनी मेल को मिल रही है उतनी फीमेल को मिल रही है। इवन क्रिकेट में भी वुमेन्स को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी हमें चांस मिला है हमारे को कि हम भी आगे जाएं बॉयज़ की तरह। पहले ऐसा था कि सिर्फ लड़कों को दिया जाता था, अभी वुमेन्स को भी मिल रहा है ये सारी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा है कि आगे जाएं हम। आप कुछ फ्यूचर में कुछ खास करने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल, तभी तो खेल रहे हैं। क्या सपना क्या है आपका? क्रिकेटर बनना, इंडिया के लिए खेलना है, वर्ल्ड कप जीतवाना है हमको। वर्ल्ड कप जीतना है जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन टीम जाए इंडिया से, उसमें लड़के लड़कियों मेल फीमेल की अलग अलग नहीं रहे, कॉमन टीम रहे, कोई भी आ सकता है, क्या ये ऐसा होगा? फ्यूचर में हो सकता है ऐसा, अगर बराबरी से। क्या आपका सपना है ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल।
सपना है बेटियों का, और जो हम बात करें कि मेल के साथ जो टीम है उसमें इस बात पर चयन नहीं हो कि लड़का है कि लड़की है, आपका सपना क्या है? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना। कहाँ खेलना है आपको? इंडिया। इंडिया के लिए? इंडिया के लिए खेलना है। मैं दीदी इंडिया के लिए खेलना है। कुछ सपना होगा ना आपका? इंडिया के लिए खेलना है। नहीं खेलना है, लेकिन कैसे क्रिकेटर बनना है? देखिए अभी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो बात आती है सचिन, गांगुली, धोनी, तो आपका नाम क्या है? पल्लवी यादव। तो कई ऐसा भी तो रहे ना कि पल्लवी यादव को याद किया जाए, ऐसा कुछ है क्या? प्लानिंग है आपकी? हाँ। क्या प्लानिंग है आपकी? इंडिया को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड में, अपना बेस्ट देना है। महिलाओं कहाँ देखते हैं आप देश में? महिलाएं तो लड़कों के बराबर ही होती हैं, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। जितना लड़के जा सकते हैं ऊंचाई पे, हम भी उतना जा सकते हैं। जा सकते हैं? हाँ। ये मानते हैं आप? बिल्कुल। आप क्या बनना चाहेंगे? अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। देखिए जो महिलाओं का सबसे अधिक फोकस है वो देश के प्रति है, और जब उनसे बात की जा रही है तो इंडिया की बात सीधे तौर पर निकल कर सामने आ रही है। आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। कुछ बताएंगे ये किस तरह का मैच है, आप किस भूमिका में हैं इसमें? मैं पिछले 10 साल से MP के लिए मैचेस खेल रही हूँ सीनियर टीम में। और बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मुझे कॉल आ गई कि मेरे को चीफ गेस्ट बन के यहाँ आना है, नहीं तो मैं भी यहाँ पर खेल रही होती, क्योंकि मुझे इतना दिल कर रहा है ना मैच खेलने का, बहुत दिल कर रहा है। और बाकी लड़कियों को देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि एफर्ट्स दे रही हैं, जो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो एफर्ट्स दे रही हैं और जीतने के लिए खेल रही हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है घर से निकल के ये सब करना। एक्चुअली मैं आई अप्रिशिएट और सभी को हैप्पी। अपना परिचय देंगे, आप बता रही कि 10 साल से आप खेल रहे हैं। मेरा नाम प्रीति यादव है, मैं पिछले 10 साल से सीनियर वीमेंस टीम में खेल रही हूँ MP की, और 3 U19 खेले हैं, 3 U23 खेले हैं, 5 Zones खेले हैं, इंडिया कैंप अटेंड किया है, और बस अभी लगी हुई हूँ। लास्ट ईयर IPL टीम में भी थी, बट कोरोना की वजह से वो हो नहीं पाया, तो बस लगी हुई हूँ। हम क्रिकेट के मैदान में हैं अभी, आप लड़कियों का फ्यूचर क्या देखते हैं क्रिकेट में? मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि हर एक लड़की जो घर से आज निकल रही है, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए, और मैं चाहती हूँ कि वो आज इन सीनियरों के बीच में खेलकर कुछ नया सीखें, और उनको जो होता है कि उनको चैलेंज करें, उससे सीखने को मिले। तो एफर्ट करते करते मुझे ऐसा लगता है कि उनको और एफर्ट करने चाहिए, जिससे कि वो आगे आने वाले MP की टीम, चैलेंजर की टीम, इंडिया की टीम में खेलें और भोपाल का नाम रोशन करें। ये क्या खुद आगे देखे लड़कियों को करना होगा, ज़रूरत इस बात की है? थोड़ा सा लड़कियों की साइड में भी होना, और कुछ हम सीनियर प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उनको सिखाना है। छोटी छोटी बात ऐसी होती है जो ऊपर की होती है, लेकिन उनको यहाँ आके समझ में नहीं आती है, तो उनको सिखाना है, उनको लेके चलना है, लेकिन ट्राई ये होगा कि उनकी तरफ से भी एफर्ट होता। देखिए जब तक लड़कियों की तरफ से एफर्ट नहीं होगा, तब तक ये वो जो बात कही जा रही है समानता की, जो बात कही जा रही है कि महिलाएं हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, तब तक वो बात नहीं आ पाएगी सामने। लेकिन हाँ, जो संकेत हैं, जो नज़ारे हैं, जो तस्वीरें हैं, बता रही हैं कि अब लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं। आपका क्या नाम है? गुलशन शर्मा। क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर? तो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलकर चल रही हैं लड़कियाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगी, और लड़कियों को आगे रहना भी चाहिए। रहना भी चाहिए। और ये आप देखें, यहाँ पर क्रिकेट मैच शुरू हो गया, ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टीम वो महिलाएं हैं, और लड़कियों के बीच ये क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, इनके बीच टूर्नामेंट चल रहा है। फिलहाल बात करें, हालांकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस तरह के नज़ारे पहले भी देखने को मिलते हैं, लेकिन चूंकि आज विश्व महिला दिवस है और आज के दिन ये जो तस्वीर है बहुत ही अहम हो जाती है। ये जो थीम है निकलकर कैसे आई आज के दिन महिलाओं का टूर्नामेंट, ये थीम कहाँ से आई? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जिस तरीके से देश भर में क्रिकेट तो बहुत लोकप्रिय है, पर लोकप्रिय क्या है, मेल क्रिकेट टीम, फीमेल जो क्रिकेट टीम है वो भी उतनी ही मेहनत करती है, परंतु उसको उतना तवज्जो मैं समझता हूँ नहीं मिलता। हम भारतीय फीमेल क्रिकेट टीम की कप्तान की बात करें तो उसकी और मेल क्रिकेट टीम की कप्तान की सैलरी में जमीन आसमान का अंतर है, 5 गुना का अंतर है। तो 5 गुना कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि ये लड़कियों की टीम जो है ये पूरे देश भर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। इनको एक प्लेटफॉर्म दिलाने की आवश्यकता थी, जिस तरीके से यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म की कमी का हम
महसूस कर रहे थे कि खेल के लिए एक महिला टीम के लिए एक प्लेटफॉर्म कम है, तो उस टीम की प्लेटफॉर्म को कमी को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे ये आयोजन रखा था और इसमें पूरे मध्य प्रदेश से खिलाड़ी खेलने आई हैं और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आए हैं। छोटी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे, आपका क्या हाल है मैम? हाँ बढ़िया बिल्कुल एकदम। कुछ अलग तस्वीर अलग है क्रिकेट के मैदान की, अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। आज वैसे भी वुमेन्स डे है हाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। नारी शक्ति को नमन। तस्वीर थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर लड़के हुआ करते थे, लड़कियाँ हैं आज। क्या कहेंगे, आज के दिन तो बहुत खास है ना? बहुत खास है और सभी ने बहुत अच्छा खेला है, अब इनका प्रदर्शन देखना है कि कैसा रहेगा। और बहुत अच्छा लगा कि लड़कियां इतनी एक्टिव हैं और क्रिकेट को लेकर उनमें इतनी जागरूकता है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के आज। सर क्या कहेंगे आज? सबको बहुत बधाई देना चाहूंगा, वुमेन्स डे पे बहुत अच्छा आयोजन किया गया, बहुत अच्छा प्रयास है, बधाई दूंगा इनको सबको। चलिए, हमने एक तो तस्वीर दिखाई है इस समय भोपाल की और चलते हैं शहर में, वहाँ पर देखते हैं कि आज विश्व महिला दिवस पर महिलाओं के लिए क्या खास है। महिला दिवस पर राजधानी भोपाल की सड़कों की बात करें तो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, महिलाएं नज़र आ रही हैं, पुरुष नज़र नहीं आ रहे। और इस समय देखिए, एक भोपाल के चौराहे की बात करें, यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी मैदान में खड़ी नज़र आ रही हैं। और देखिए, ये ट्रैफिक संभालते हुए जो पुलिसकर्मी महिलाएं आई, उन्हें समझते हैं। आज कुछ खास दिन है, वुमेन्स डे है, आप ट्रैफिक संभाल रहे हैं आज? जी हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं। कहाँ से हैं आप? मैं तो यहीं भोपाल से हूँ और हम लोग 3 महीने के लिए कमिश्नरी के लिए आए हैं। ओके, छिंदवाड़ा जिले से मेरी पोस्ट। आज कुछ खास जिम्मेदारी दी गई आपको? जी हाँ, ट्रैफिक संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, 3 बजे से 6 बजे तक है हम लोगों की ड्यूटी। अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है? हाँ, अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है सभी लोगों की, सभी महिलाओं की। आज सुबह मॉर्निंग में रैली निकाली गई थी और उसके बाद में अभी सभी पॉइंटों पे। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि आप पहले भी ट्रैफिक संभालते आए हैं? जी हाँ, पहले भी संभाले हैं, अपना हमारे जिलों में भी संभाले और यहाँ भी जब से आए तब से ट्रैफिक ही संभाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ऐसा हो कि यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इससे पहले भी जो महिला पुलिसकर्मी हैं यातायात की जिम्मेदारी संभालते आई हैं। लेकिन हाँ, आज का दिन खास ये है कि जितनी भी जो यातायात संबंधी जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों के कंधों पर हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया है, अच्छा लग रहा है ट्रैफिक चलाने में तो। अच्छा लग रहा है, हम आपके पीछे देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ही सशक्तिकरण की बात कही है जी। ऐसा है, पहली बार आप ट्रैफिक संभाल रहे हैं या फिर? नहीं, पहली बार अपने जिलों में, हमने बहुत बार ट्रैफिक संभाला है, ट्रैफिक ड्यूटी अच्छे से आती है हम लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन कुछ खास है? हाँ बहुत खास है, आज महिला का दिवस है तो आज मतलब महिलाओं के लिए बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। मतलब हम सिर्फ मतलब ट्रैफिक वगैरह में हम लोग मतलब महिला हम ट्रैफिक चला रहे हैं महिला। देखिए, पूरा यातायात आज महिलाएं चला रही हैं और ये जो जिम्मेदारी का निर्वहन है ये खास बना देता है आज के महिला दिवस को। इस समय हम राजभवन की रोड पर मौजूद हैं और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ की जिम्मेदारी भी महिला पुलिसकर्मियों के कंधों पर ही है। और राजभवन की हम सड़क की बात करें, यहाँ पर देखिए कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है महिला पुलिसकर्मी संभाले हुए हैं। आज का दिन तो बहुत खास है आपके लिए। जी हाँ बिल्कुल। कब से ड्यूटी कर रहे हैं आप? अभी हम लोग की 2 बजे से है इधर, बाकी सुबह रैली में गए थे हम लोग हाँ। तो वहाँ भी बढ़िया रहा है वक्त, यहाँ 2 बजे से अभी देखते हैं कितने बजे तक लगाते हैं सब लोग। अच्छा, कुछ नया लग रहा है कि आपको आज के दिन? हाँ काफ़ी नया ही रहा है, सुबह बढ़िया रैली में गए हम लोग, वहाँ भी काफ़ी अच्छा लगा, अधिकारियों से मिलना हुआ वहाँ पे और उसके बाद फिर पब्लिक से भी मिले हम लोग तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ। एक बात कही जाती है कि महिला दिवस एक दिन का नहीं हो सकता, हमेशा ही मनाना पड़ेगा, हमेशा ही मानना पड़ेगा। वो तो है, महिलाओं के लिए हमेशा कुछ खास रहना चाहिए कि महिलाएं कहीं पीछे ना रहें, कोई उनको परेशानी हो तो सबको, वैसे ज़रूरी नहीं कि पुलिस वाले ही सपोर्ट में रहें, बाकी पब्लिक को भी करना चाहिए सपोर्ट जो आजकल परेशान है। क्या लग रहा है महिलाओं के प्रति मानसिकता बदल रही है, बदलाव हो रहा है? हाँ काफ़ी हद तक बदल रही है, क्योंकि लड़कियाँ इतने हद तक पहले नहीं थी ज्वाइन पुलिस में, अब काफ़ी हो गई, सारी फील्ड में भी आजकल लड़कियाँ ज्वाइन हैं और कर रही हैं, जॉब में हैं लड़कियाँ, घर भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं, और हालांकि पुरुष भी इतना सपोर्ट करते हैं, घर वाले सभी सपोर्ट करते हैं, तब जाके ये होता है उनके लिए, तो बढ़िया है यार।
बदलाव है और महिलाएं हैं खुद उस बदलाव को महसूस कर रही हैं। फिलहाल हम एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज जो यातायात व्यवस्था है वो महिलाओं के कंधों पर है, महिलाओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसा नहीं कि आज पहला दिन हो जब महिलाएं यातायात व्यवस्था जो है संभाल रही हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी की बात करें, पूरे मैनेजमेंट की बात करें तो महिला पुलिसकर्मी, महिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी ये पूरी जिम्मेदारी आज संभाल रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं। इस समय मेरे साथ महिला खिलाड़ी मौजूद हैं और हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। आज का दिन बहुत खास है, आपका नाम क्या है और कौन सा? निशु यादव। हाँ, वैसे मेरा मेन गेम कबड्डी है और मैं सॉफ्ट बॉल खेलने जा रही हूँ अभी। कहाँ जा रहे हैं आप? लिए हरियाणा जा रही हूँ। हरियाणा, हाँ। तो ये क्या इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन है, कौन सा कॉम्पिटिशन? नेशनल टूर्नामेंट है। क्या देख पा रहे हैं आज का दिन तो बहुत खास है महिलाओं के लिए। अभी तो सुबह से ट्रेवल में ही निकल गया हम लोग का दिन। एक्चुअली हम लोग होशंगाबाद से हैं, नर्मदापुरम से हैं, बाकी अभी जा रहे हैं, अभी कल जाना है। खेलों के क्षेत्र में महिलाओं का स्थान कहाँ देखते हैं आप? सबसे आगे देखते हैं महिलाएं सबसे आगे हैं खेलों के उसमें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावना सोलंकी है, मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। अच्छा, वॉलीबॉल प्लेयर है, कहाँ से हैं आप? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, जिसे होशंगाबाद कहा जाता था पहले, अब कहाँ जा रहे हैं आप? सर, हम लोग हरियाणा जा रहे हैं अभी कॉलेज टूर्नामेंट खेलने के लिए, नेशनल सॉफ्ट बॉल का। आज कल हम लोगों की ट्रेन है, आज हम लोग प्रैक्टिस के लिए आए थे। तो आज प्रैक्टिस दिन भर चलेगी अब तो? हाँ सर, शाम को होना ही है, अभी सुबह से तो ट्रैवलिंग कर ही रहे हैं और शाम को हम लोगों का और होगा प्रैक्टिस की है, तो आज ही हम लोगों को आना पड़ा है। और आज वुमेंस डे है तो पूरा आज तो सब हो चुका है। स्थान कहाँ देखते हैं महिलाओं का स्थान? क्या बराबरी का दर्जा मिल चुका है? हाँ, लगभग तो मिल चुका है, लेकिन अभी फिर भी कई फील्ड्स में बाकी है, तो वो भी मिलना चाहिए और आगे ही होना चाहिए महिलाओं को। बराबर तो नहीं कहूँगी मैं, और आगे होना चाहिए। वैसे तो अभी कहाँ तक पहुँच गई है महिलाएं? सर, अभी तो आप देख ही रहे हैं हर फील्ड में तो आगे जा रही है महिलाएं, स्पोर्ट्स फील्ड देख लें या डॉक्टर फील्ड या कोई भी फील्ड देख लें, सभी में आगे ही है महिलाएं। आज हमने एक चीज़ और देखी है कि जितने मध्य प्रदेश के शहर हैं, जो पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट है, आज महिला और पुलिस कर्मियों के हाथ आज है। हाँ, वो हमने भी नोटिस किया, आज पूरा हर जगह महिला कर्मी लगी हुई हैं। ये अच्छी बात है कि इसमें भी वो आगे हैं, हर जगह होना भी चाहिए, बाकी ये अच्छा है वुमेंस के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। क्या इससे सेफ्टी भी फील करेंगी महिलाएँ? बिल्कुल करेंगी इस चीज़ से सेफ्टी फील, क्योंकि एक महिला को महिला देखकर ही थोड़ा सेफ्टी फील कर सकती है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या सिर्फ ये एक दिन तक सीमित रहना चाहिए क्या? नहीं, ये हमेशा ही है, ये रूल्स तो हमेशा के लिए फॉलो करना ही चाहिए कि महिला ही हमेशा आगे आना चाहिए। तो ये महिला खिलाड़ी हैं जो हरियाणा के लिए रवाना हो रही हैं, वहाँ पर नेशनल गेम है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जीत कर आएँ। और चलिए आगे चलते हैं, वहाँ समझते हैं कि आज महिला दिवस पर क्या खास है। फिलहाल एक बार फिर हम राजधानी भोपाल के एक चौराहे की तस्वीर दिखाते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं। और ये पॉलिटेक्निक चौराहा है, भोपाल के व्यस्ततम चौराहों में से एक अहम चौराहा। और देखिए, आप यहाँ पर काउंटिंग करें तो महिला पुलिसकर्मी जहाँ पर है चारों तरफ नज़र आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पर पूरा जो ट्रैफिक है उसको व्यवस्थित किए हुए हैं महिला पुलिस कर्मचारी, और यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। सामने हम बात करें तो देखिए वहाँ भी पुलिसकर्मी मोर्चा संभाले हुए हैं। मैडम, आज का दिन तो बहुत खास है। आज का दिन सच में बहुत खास है कि भोपाल एक महानगर है और यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक व्यवस्था है, और वो कमान आज हम महिलाओं को दिया है, तो हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं पहली बार ट्रैफिक यातायात व्यवस्थित कर रही हूँ, लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरा जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोलिंग है, वो महिलाओं के हाथ में है आज। बिल्कुल, हम बहुत समय से ट्रैफिक में काम कर रहे हैं और आज जो कमान दिया है कि आज हमको पूरा करना है, VIP मूवमेंट भी कराने हैं और सिग्नल का पालन कराना है, चालानी कार्रवाई करना है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि महिला दिवस वाले दिन की जिम्मेदारी आ गई हो, बाकी चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, रोज़ ही करते हैं और इससे ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी। कुछ पर तो बहुत फख्र महसूस हो रहा होगा आपको? बहुत ज़्यादा फख्र महसूस हो रहा है, सभी खुश हैं। सुबह 6 बजे से सभी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, मगर किसी के चेहरे पर थकान नहीं है, ना मन में थकान। देखिए, दोपहर की अभी 3 से अधिक का समय हो चुका है और सुबह 6 बजे से ड्यूटी पर हैं। आप समझ सकते हैं कि जब महिलाओं के हाथों में पूरी कमान सौंप दी जाती है, तब महिलाएं
किस तरह से जुटती हैं। हम अकेले अधिकारियों की बात नहीं कर रहे बल्कि जो महिला पुलिसकर्मी हैं आप उनको भी दिखिए, सुबह से जुटे हुए, सुबह से लगे हुए हैं। आपका आपका क्या हाल है आज? सर बढ़िया है, वैसे तो डेली यही होता है, डेली ड्यूटी तो करते ही हैं, बाकी हाँ आज लोग अलग ध्यान दे रहे हैं हम लोगों पे कि यार ये मतलब ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, महिला दिवस है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब वो ध्यान इसी दे रहे हैं क्योंकि हम जहाँ भी नज़र दौड़ा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ महिलाएं नज़र आ रही हैं आज। हाँ ये आज मतलब पूरा ट्रैफिक का कंट्रोल महिलाओं के हाथ में दिया गया है और उसको हम लोग भी चाह रहे हैं काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो जाए, तो चल रहा है बस, ड्यूटी अच्छी चल रही है। देखिए ऐसा नहीं कि पहली बार ट्रैफिक कंट्रोल महिलाएं कर रही हों, लेकिन हाँ आज सभी महिलाएं हैं इसलिए सभी का ध्यान है। आपका क्या हाल है? ठीक है, अच्छा है। कुछ अलग लग रहा है आपको? हाँ आज महिला दिवस है तो अलग है, बाकी हम लोग डेली ट्रैफिक में ही रहते हैं। डेली ऐसे ही जूझते हैं आप? कितना मुश्किल होता है ट्रैफिक कंट्रोल करना? हाँ थोड़ा मुश्किल होता है, पर हमारा सहयोग करेंगे सब लोग तो ठीक रहता है। महिलाओं थोड़ा सा मुश्किल होता है, राजधानी भोपाल है यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत अधिक है और जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं कि वाकई जो एम्बुलेंस है, देखिए ये एम्बुलेंस को अलग से निकालते हुए महिलाएं और ये जो तस्वीर है ये सुखद है और हम देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक के बीच से एम्बुलेंस निकाली गई है। महिला कर्मियों के कंधों पर पूरी आज कमान है और इस तरह के नज़ारे हमको देखने को मिल रहे हैं जो आगे रहकर सुबह से जुटी हुई है। सुबह 6 बजे से दोपहर का 3 बजे का वक्त हो चला है, अभी भी आप मैदान में हैं। आपका क्या हाल है? बहुत अच्छा है सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर ड्यूटी करते हुए। 3 बजे चाहे कुछ भी बजे हमें तो ड्यूटी देनी ही है और गर्व भी बहुत महसूस होता है। गर्व महसूस हो रहा है? जी सर। बहुत मुश्किल होता है क्या राजधानी भोपाल का ट्रैफिक संभालना? मुश्किल कुछ नहीं होता है, अपने आप के ऊपर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। महिलाएं चाहे तो कर सकती हैं, जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ट्रैफिक की, यातायात की। दरअसल यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जो वीआईपी मूवमेंट होने के साथ देखिए आप देख पा रहे हैं कि फिर वीआईपी मूवमेंट है और महिलाएं पुलिस अधिकारी, महिलाएं ये पुलिसकर्मी फिर एक्शन मोड में है और ये देखिए काफिला गुजर रहा है यहाँ से। काफिला को कंट्रोल करते हुए, यातायात को कंट्रोल करते हुए महिला पुलिस अधिकारी, महिला पुलिसकर्मी और ये वीआईपी मूवमेंट राजधानी भोपाल में लगातार बना रहता है। इसके साथ ही यहाँ पर ट्रैफिक दबाव बहुत ज़्यादा, यही कारण है कि भोपाल के ट्रैफिक को बहुत ही ऐसा ट्रैफिक कहा जाता है जिसको कि कंट्रोल करना बहुत आसानी से नहीं होता। देखिए आप वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो पुलिस पायलट यहाँ पर गाड़ी लगी हुई है और यहाँ एक बार फिर जो महिलाएं हैं वो अपने एक्शन मोड में हैं। साहब कौन साहब जा रहे हैं? गृह मंत्री जी। देखिए गृह मंत्री यहाँ पर हैं और पुलिस महिलाएं यहाँ पर कंट्रोल किए हुए हैं और सर ट्रैफिक हमने देखा पूरा कंट्रोल किए हुए हैं। गृह हमारी बेटियाँ हैं, सब कुछ कर सकती है। आज बेटियों का दिन है, महिला दिवस है, आज बेटियों का दिन है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं और उनका जो काफिला है यहाँ से गुजरते हुए और पुलिस कर्मियों ने ये ट्रैफिक संभाला है। अभी गृहमंत्री गुजरे हैं, कह रहे हैं आज तो बेटी का दिन है, बहुत अच्छा लगा है सुनकर। ये जो वीआईपी मूवमेंट है लगातार बना रहता है? बिल्कुल, ये बहुत व्यस्तम जो रहा है जो न्यू मार्केट का और शायद कहते हैं भोपाल का हृदय भी है, तो बहुत वीआईपी मूवमेंट रहते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं हम लोग, कभी भी ड्यूटी लग जाती है, कभी रात को 12 भी बज जाते हैं, रात के 12 भी बज जाते हैं, कभी भी ड्यूटी लग जाती है और कभी भी वीआईपी मूवमेंट आ जाता है। ये हमने नज़ारा इस समय यहाँ पर देखा है, चौराहे पर देखा हुआ है, लेकिन हाँ उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। चलिए और आगे चलते हैं, वहाँ समझते हैं कि जो पुलिसकर्मी सुबह से यहाँ पर तैनात हैं किसी तरह की कोई उनको परेशानी तो नहीं हो रही। और जिस तरह से आज विश्व महिला दिवस है, महिला दिवस पर आज का दिन उनके लिए बहुत ही खास हो जाता है। आपका क्या हाल है? ठीक है। आज तो विश्व महिला दिवस है ना? जी। क्या करते हैं आप, एडवोकेट हैं? जी। कहाँ देखते हैं महिलाओं के लिहाज से हम बात करें, देश कहाँ पर है? देश बहुत आगे बढ़ गया है, महिला सबसे फर्स्ट में है आजकल। कानून जो है आप बड़ी बारीकी से समझते हैं, कानूनों के लिहाज ठीक है महिलाओं के लिहाज से कानून? बिल्कुल पर्याप्त है। पर्याप्त है, हर जगह पर्याप्त है। आज आप लोग सुबह से लगे हुए हैं, अभी हमने देखा है कि गृह मंत्री का काफिला भी गुजरा है, बड़े अच्छे से कंट्रोल किया, बोल रहे थे ये तो मध्य प्रदेश की बेटियां हैं। हाँ ये सही है, अच्छा भी लगता है ऐसा काम करने में, मतलब
हमारे देश कितने अच्छे गौरव हैं, ये हमारे एमपी के गृह मंत्री साहब हैं, तो ठीक लगता है कि यदि मतलब हमें अंदर से खुशी होती है यदि वैसा आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं, उसके अलावा हमारी जनता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आज खासकर ऐसा बोला गया कि आज महिला दिवस है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 8 मार्च है, महिला दिवस है, तो ठीक है इसमें हम आज वैसे तो ये ऐसा माना जाता है कोई भी डे हो तो वैसे छुट्टी रहती है, लेकिन एक हमारी ऐसी ड्यूटी जिसमें छुट्टी तो रहती नहीं है, बस उसके अलावा उस दिन और अच्छा काम करने का अवसर मिलता है। बस उनमें से मम्मी सिखाती थी कि आज दिवाली है, आज ऐसा है, तो आज यदि तुम पढ़ाई करोगे तो और आगे जाओगे, तो यदि ऐसे अच्छे मौके पे हम अपना काम और अच्छा करें तो बहुत आगे जाएंगे ऐसा लगता है हमें। देखिए आप मैसेज सुन रहे हैं महिलाओं का महिला दिवस पर, इस समय हम राजधानी भोपाल के चौराहे पर मौजूद हैं, तमाम यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट चल रहा है, यातायात का दबाव लगातार बना हुआ है, सुबह से महिला पुलिसकर्मी महिला पुलिस अधिकारी मोर्चा संभाले हुए तैनात हैं और वो कह रही हैं कि जब काम करने का इस तरह से मौका मिलता है तो गर्व भी होता है और बेहतर काम हो पा रहा है। फिलहाल हम बात करें तो एक महिला दिवस पर मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर देखने को मिली है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।